नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फोटो मर्ज करने के सबसे आसान तरीके के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आपको किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप आसानी से अपने मोबाइल या पीसी के द्वारा गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाकर कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी वेबसाइट पर हमारा KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट्स का फ्रंट और बैक का फ़ोटो लेना होता है और फिर उसे मर्ज करके अपलोड करना होता है, जिसके लिए हमें दोस्तों काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और एप्लीकेशन वगैरह काफ़ी डाउनलोड करना पड़ता है और जिसमें हमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी के सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले दोस्तों कि इजिली आप कुछ ही सेकंडों में अपना फ़ोटो मर्ज कैसे कर सकते हो और उसे आसानी से कैसे अपलोड कर सकते हो, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउज़र पर और वहाँ पर हम जो रेगुलर वेबसाइट यूज करते हैं फ़ोटो मर्ज करने के लिए, उसे हम ओपन कर लेते हैं। उसके लिए आप चाहे तो मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करके वेबसाइट के द्वारा अपना फ़ोटो मर्ज कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, फ़ोटो मर्ज करने के लिए हम जो रेगुलर वेबसाइट यूज करते हैं उसे हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए उसका नाम भी दिख रहा है, imgonline.com.ua। दोस्तों, अगर इसका लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रख देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाकर अपना फ़ोटो आसानी से आप मर्ज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कंबाइन टू पिक्चर इनटू वन ऑनलाइन का ऑप्शन, तो हम उस पर क्लिक कर लेते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमें दो पिक्चर हमें एक में मर्ज करना है वो यहाँ पर देखिए अपलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो चूज फाइल का जो ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में हम जो है पहला पिक्चर हमारा जो है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेकंड में दूसरा पिक्चर, तो पहला पिक्चर चलते हैं हम सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे हम चूज वन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फाइल है ओपन हो जाता है। यहाँ से हमने जो भी पिक है उसे हमने रखा है तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हमें यहाँ पर आधार कार्ड मर्ज करना है तो चलते हैं हमारा आधार कार्ड का फ्रंट साइड का सेलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि हमारा फ्रंट साइड का जो आधार कार्ड है वो अपलोड हो चुका है। अभी दोस्तों सेकंड नंबर पर जो चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, चलते हैं उस पर क्लिक करके हम दूसरा बैक साइड का भी फ़ोटो हम अपलोड कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा बैक साइड का फ़ोटो दिख रहा है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा दोनों जो पिक है फ्रंट और बैक का वो दोनों अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए कंबाइनिंग सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें देखिए मर्ज टू पिक्चर, मतलब हम पिक्चर को किस तरीके से मर्ज करना है। अगर हमें नीचे की तरफ रखना है सेकंड पिक्चर को तो यहाँ पर देखिए सेकंड पिक्चर बिलो रखना है, अगर हमें राइट साइड में रखना है तो दोस्तों हमें सेकंड पिक्चर राइट का ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे तरफ प्रोसीड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ साइज का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ चेंजेस ना करके दोस्तों आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगर आपको जैसा फर्स्ट पिक्चर जो है बड़ा चाहिए और सेकंड जो है छोटा चाहिए, ऐसा कुछ अगर आपको इसमें सेलेक्ट करना है तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से आपको चूज करके जो भी सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको दोनों सेम ही चाहिए तो आप उसमें कुछ ना सेलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ जाइएगा। जैसे कि दोस्तों हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है तो हमें इसे ऐसा ही रहने देते हैं और नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रोटेट फर्स्ट पिक्चर, अगर आपको रोटेशन वगैरह करना है तो पिक्चर में तो आप इसमें से रोटेट भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। और बाकी नीचे देखिए अगर आपको ट्रिम वगैरह करना है, छोटा बड़ा करना है, तो भी यहाँ पे परसेंटेज वाइज आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिलहाल के लिए दोस्तों इसमें हमें कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वालिटी आपको क्या डाउनलोड करना है, JPEG, PNG, जिसमें भी आपको डाउनलोड करना है वो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और परसेंटेज वाइज 100 में से कितने परसेंटेज क्वालिटी बढ़िया चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो पिक है वो मर्ज हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमारा पिक का जो मर्ज होने के बाद साइज़ है वो भी यहाँ पर दिख रहा है और उसका पिक्सल वगैरह सब दिख रहा है, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ओपन प्रोसेस्ड इमेज पे जैसे क्लिक करते हैं हमारा जो मर्ज किया हुआ पिक है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। दोस्तों देखिए मर्ज करने के बाद हमारा जो पिक है कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों पिक हमारा जो ऊपर नीचे हमने सेलेक्ट किया था कि सेकंड पिक्चर हमें बिलो चाहिए, मतलब नीचे की साइड में चाहिए, तो वो नीचे की तरफ आया। अगर आपको चाहिए राइट में तो आप राइट सेलेक्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो पिक है यहाँ पर दिख रहा है, अगर हमको कुछ चेंजेस करना है तो गो बैक पर क्लिक करके हम दोबारा से पीछे जाकर दोबारा से जो चेंजेस करने हैं वो करके फिर से हम सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों हमें और कुछ चेंजेस नहीं करने हैं तो चलते हैं हम डाउनलोड प्रोसेस्ड इमेज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो
मर्ज किया हुआ पिक्चर है उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर फोटो मर्ज करने के अलावा अगर आपको फोटो रिसाइज करना है या फाइल कन्वर्ट करना है वो सब चीज़ें यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, हमने अभी जो आधार कार्ड मर्ज किया उसे हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद दोस्तों हमारा जो आधार कार्ड है कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर हमें दोस्तों इसका प्रिंट करना है तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।